हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बता रहा हूँ रिलेशन का एक छोटा सा टॉपिक है, डोमेन और रेंज। आइए सीखते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है, किस तरीके से इनके अवयव को हम लेते हैं। आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय जिनेंद्र। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले डोमेन के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे डोमेन क्या है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख रखी है बुक के अकॉर्डिंग, जो परिभाषा है वो अपनी बुकों में दी हुई है। तो मैंने यहाँ पर तो मैं आपको अपनी भाषा में समझाना चाहूँगा पहले, फिर इस किताब को पढ़ूँगा या पहले किताब पढ़ ले रहा हूँ फिर आपको। मैंने यहाँ पर लिखा है, माना आर समुच ए से समुच बी में एक संबंध है। यानी आर होता है एक संबंध, रिलेशन, आर का संबंध है ए और बी दोनों से है। तो मैंने लिखा आर सबसेट ए क्रॉस बी, तो आर के ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस क्रॉस में आता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्रमित युग्म, यानी क्रम से जोड़ा, यानी एक्स के बाद वाई, वन के बाद टू, इस तरह से एक पेयर बनता है जिसके प्रथम मेंबरों का समुच्चय डोमेन कहलाता है। ये लिखा हुआ है, जिसके प्रथम मेंबरों का समुच्चय डोमेन कहलाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ लिखा है डोमेन आर, यानी डोमेन का संबंध जो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी इस एक्स जो ए है, मेम जो ए सेट है उसमें एक्स जो अवयव है, एक्स जो मेंबर है वह डोमेन है, क्योंकि तथा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स और वाई दोनों का ही संबंध है आर से, लेकिन पहले एक्स आएगा तो एक्स का प्रथम मेंबर डोमेन कहलाता है। यानी जो पहले पद आएगा, पहला भाग आपका, पहला घटक, पहला पार्ट आपका डोमेन है। ठीक है, आपको समझ में आया डोमेन के बारे में। अब हम रेंज, अब जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं रेंज में। रेंज में द्वितीय अवयव यानी सेकंड मेंबर का समुच्चय रेंज कहलाता है। मैं परिभाषा और लिख दे रहा हूँ इसमें, यहाँ लिखेंगे डोमेन रेंज आर, तो यहाँ लिखेंगे बाई, यहाँ पर होगा बाई सच दैट बाई बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स टू बी, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इस तरह से होगा। मैं परिभाषा और परिभाषा दे दे रहा हूँ जिससे और क्लियर हमारा हो जाए। यहाँ पर मैंने रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज का मैंने ये टॉपिक लिख रखा है पहले से। मैंने जैसा मैंने डोमेन बताया था कि डोमेन पहला मेंबर होता है और रेंज हमारा सेकेंड मेंबर होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है आर के ऑर्डर्ड पेयर के सभी द्वितीय अवयव यानी सेकेंड मेंबर का समुच रेंज आर कहलाता है। रेंज आर बराबर, आर का मतलब है रिलेशन से, यहाँ पर जो आर रेगुलर लिख रहे हैं हम, तो यानी संबंध की बात चल रही है। एक्स बाई सच दैट बाई बिलोंग्स टू बी तथा एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यानी सेकेंड मेंबर को ये नोटेट कर रहा है और यहाँ पर एक्स फर्स्ट मेंबर को दर्शा रहा है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर दो मेंबर्स ले रखे हैं, दो मेंबर्स के ये दो सेट ले रखे हैं, दो सेट के ये अवयव हैं, ए बराबर 4, 5, 6 लिखा है और बी बराबर एक्स वाई जेड लिखा है। तो डोमेन के अनुसार पहला मेंबर ए का है, तो इसको 4, 5, 6 ये डोमेन के हैं और ये आपके रेंज के हैं। तो इनको लिखते कैसे हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे इसको लिखेंगे आर बराबर 4, x, यानी पहला 4 डोमेन का हो गया और x रेंज का हो गया। कॉमा लगाएंगे 5, y और 6, z, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, जिसमें डोमेन r है आपका 4, 5, 6 और डोमेन रेंज r x, y, z होगा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, ये इसका हो गया। ठीक, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से डोमेन और रेंज के बारे में हमें ज़रूर बताएं। ठीक, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल।